हेलो 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 नमस्कार और सलाम और हेलो जी सलाम श्रुति हमारे बिहार की आन बान और शान और मैडम के बारे में जितना जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है हमारे बिहार के बारे में कि भाई हमारे बिहार के लोग जो हैं वो आईएएस आईपीएस बनेंगे या फिर अगर लड़कियां हैं तो वो टीचिंग लाइन में जाएंगी या फिर कोई सिटिंग जॉब उनको लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई आप ऐसा करो, बट ऐसे में सीतामढ़ी के एक छोटे से गांव में मैडम जी के दिमाग में आया कि वो एक फिटनेस एक्सपर्ट बने। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में प्रतिभा आप खुद बताओ और जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको अगर आप कुछ बोलना चाहते हो इन द बिगिनिंग। बिल्कुल, मेरा ख्याल यह है कि जब मैं छोटी थी बचपन में ही मुझे ये फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इंटरेस्ट था। लोग मना करते थे कि तुम लड़की हो इतना मत खेलो इतना मत कूदो, तुम अब 12 इयर्स की हो गई तो अब तुम्हें घर के काम करने चाहिए। मुझे तभी से था कि मुझे ये चीज नहीं करना, मुझे फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी है। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था 12 इयर्स में, वहां कुछ भी नॉलेज नहीं होता। और जहां तक कि स्कूल की बातें करें तो इस चीज से दूर दूर का कोई कनेक्शन नहीं था। तो जब मैंने 10th वहां तक किया तो मेरे अंदर थी, मैं सबसे पहले प्लेयर बनना चाहती थी। बैडमिंटन मुझे बहुत पसंद था, सभी को होता है, बट उसके बारे में मुझे कोई रूल पता नहीं था। तो जब 10th मेरा कंप्लीट हुआ तो मैंने एडमिशन लिया एमडीडीएम कॉलेज में, वहां स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी पहले, तो मुझे मौका मिला कि यहां से मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया। उसके बाद ही कुछ दिन बाद जब 3-4 ईयर्स मैंने बैडमिंटन खेला, वहां पे भी अचीवमेंट हुई मेरी। उसके बाद वहां के जो कोच है समरेश कुमार, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अब इसके बाद क्या, क्योंकि आप जब अब खेल रहे होते हो, आप स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट को पहले रिप्रेजेंट करके फिर स्टेट को करते हो, एक टाइम आता है जब आपको एक बहुत बेहतर कोच की जरूरत होती है, बहुत बेहतर कोचिंग की जरूरत पड़ती है, काफी पैसों की जरूरत पड़ती है उस टाइम, जैसे रैकेट काफी महंगा, सब कुछ महंगे होते हैं उसके। तो आप अपनी चीजें चेंज भी करते हो कि अब मुझे कुछ चेंज करना है, कुछ अलग करना है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन सकती हो, तुम ग्रुप इंस्ट्रक्टर बन सकती हो, तुम पर्सनल इंस्ट्रक्टर बन सकती हो, बिग ज्वाइन करो। तो वहां से मेरा ख्याल आया, तब जाके मैं दिल्ली में गई, वहां पे एक अनुज एकेडमी है, वहां पे मैंने एडमिशन लिया और फिर वहां से स्टार्ट हुआ कि अब मैं इस चीज को बढ़ा सकती हूँ आगे और मैं कर सकती हूँ ये चीज। तो ये जर्नी जब शुरू कर रहे थे आप, तो By the way, she is not at all what she seems to be. बहुत ही छोटी उम्र की हैं ये, only 22-23 is her age, लेकिन काफी mature दिखती हैं ये. But इतने छोटे से उम्र में इतना कुछ आप कर रहे हो और एक छोटे से गांव से आकर, तो आसपास के लोग या फिर मतलब एक सोसाइटी प्रेशर जो होता है वो बिल्डअप हुआ था आपके आसपास? स्टार्टिंग में हुआ था जब मैं 10th के अंदर थी, 10th क्लास के अंदर थी, तो जब मैं एक एनजीओ है अदिति प्लान, वहां से हम बच्चों को थोड़ा सा कुछ मोटिवेट किया जाता था, चीजें आगे ले जाके उसके कुछ ट्रेनिंग दी जाती थी। तो जब मैं घर से 4 या 5 दिनों के लिए ट्रेनिंग लेने मुजफ्फरपुर आती थी तो उस टाइम होता था कि ये 4 दिन के लिए लड़की 13-14 साल की कहाँ जा रही है, और ये बार बार हर मंथ में 4 दिन के लिए बाहर जा रही है, नाइट स्टे कर रही है, तो ये कहाँ जा रही है। तो मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 2-3 बार जब मैं गई तो 4th-5th बार लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि ये तो बाहर जाती है। फिर पेरेंट्स ने मेरे पे थोड़ा प्रेशर दिया कि लोग बातें करते हैं, अब आपका जाना बंद है। अरे रे, तो उस वो सिचुएशन, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो एंड स्पेशली लड़कियां जो देख रही होंगी उनके साथ भी अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया होगा अपनी लाइफ का कुछ ऐसा जिसमें उनको बाहर निकलना होगा, तो उनके पेरेंट्स भी कुछ वैसा बिहेव कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ सोसाइटी प्रेशर जो उनके ऊपर है। तो ऐसे में आपने क्या किया दैट माइट जस्ट हेल्प देम? मुझे पता था कि ये चीजें आएंगी मेरे साथ, क्योंकि मैंने सिचुएशन देखा था कि ये चीजें कभी ना कभी मेरे पास आएंगी। तो मैंने सोचा कि मुझे पीछे नहीं हटना है, मुझे आगे ही बढ़ना है। रोना सबको आता है, इतने छोटे होते हो आप, सबको रोना आता है, मुझे भी आया था, बट मेरे अंदर एक जिद थी कि मुझे तो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे अंदर ये भी था कि मैं ना कुछ कर सकती हूँ, मैं जॉब कर सकती हूँ, ज्यादा की नहीं, 4-5,000 मंथली मैं कर लूंगी, मैं चला लूंगी ये चीज। तो वो थी कि मुझे जिद करके यहाँ से अलग भी होना पड़े तो मैं जाऊंगी और मैं ये चीज करूंगी चाहे मुझे कोई भी रोक ले। तो वो जो एक पॉजिटिविटी के तरफ आपकी जो जिद होनी चाहिए, आपको अगर पता है कि आपको क्या करना है लाइफ में और आप उसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है, देन ऑफ कोर्स यू शुड टेक दैट रिस्की स्टेप, क्योंकि उस स्टेप के बाद बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या कुछ अच्छा हुआ उसके बाद? कुछ पॉजिटिव के बारे में अगर बताएं। अच्छा हुआ जब मैं वहां पे गई, जब ट्रेनिंग फिर मैंने अटेंड किया, आगे न्यूज का ट्रेनिंग मैंने किया था,
कुछ चाइल्ड न्यूज़पेपर का था, तो वहां से तो जो वो फर्स्ट डे था, मैंने इससे पहले ना ही ज्यादा अच्छे से न्यूज़ पढ़ा था ना ही कभी देखा था चैनल में, वहां पे टीवी वगैरह बहुत कम थी, मोहल्ले में कोई एक दो टीवी थी तो, बट मैं सुनती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जो लिखने की जो कला है वो मेरे फादर मदर चिट्ठियों से बातें करती थी, हाय हाय, तो वो मैं मम्मी पढ़ती थी उनकी पापा की चिट्ठी पढ़ती थी लड़की तो वो जो मम्मी लिखती थी या जो पापा लिखते थे, जो उनका आंसर और क्वेश्चन होता था तो मैं पढ़ती थी। उनके जो वर्ड्स थे बड़े अच्छे थे, जो भी लाइनें वो लिखते थे बड़े सिस्टमेटिक ढंग से थे, जो होता है एज कि एक वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना, बड़े अच्छे से लिखते थे, मैं वो पढ़ती थी। और मुझे उस ट्रेनिंग में 4-5 दिनों की ट्रेनिंग थी मुजफ्फरपुर में, फर्स्ट ट्रेनिंग थी मेरी न्यूज की, उसमें मुझे बताया गया कि आप एक न्यूज लिखो, बस फर्स्ट डे था, मैंने न्यूज लिखा ऐसे ही बना के, तो सारे लोग में सबसे नंबर वन पे मेरा न्यूज था। क्या बात। अब बहुत छोटा सा न्यूज था, एक एक घटना थी मेरे घर के बगल की, कुछ आग लगी थी उनके घर में, तो उससे रिलेट करके मैंने वो डाला था, और कुछ 10 लाइनें रही होंगी, और वो सबसे अच्छा मेरा न्यूज था। क्या बात है। तो एक मिनट, न्यूज न्यूज के बाद फिर ये फिटनेस वाला वो एक अच्छा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करनी है जिससे मेरा नाम हो, मेरे पेरेंट्स को लोग जाने, क्योंकि जब मैं गांव में रहती थी और मैं जब 10th में थी, तो जो टीचर्स मेरे से पूछते थे कि व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर ग्रैंडफादर नेम, जब मैं उनको बताती थी तो किसी को ये नहीं पता था, होता था कि मणिभूषण शर्मा, मिस्टर मणिभूषण शर्मा किसका नाम है और वो कहाँ रहते हैं, किस मोहल्ले से, हमें पता ही नहीं है। तो मुझे ये बहुत तकलीफ देती थी कि मेरे फादर को कोई जानता नहीं है, मेरे फादर को कोई नहीं जानता। या फिर किसी फंक्शन में जाती थी, गांव के फंक्शन में, तो जब वो नाम लेते थे, मैं जब लेती थी तो कोई जानते ही नहीं थे उन्हें, वो मुझे थोड़ी सी चिढ़ थी इस बात से। मुझे, मैं इतना करूंगी कि सब लोग जानेंगे मुझे, मुझे तो जानेंगे, मेरे पेरेंट्स से पूछेंगे कि आप उनके फादर हो। तो अभी क्या सिचुएशन है आपके गांव में? बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने सोचा था। बिल्कुल। तो इसको मतलब शी इज सेटिंग एन एग्जांपल ऑफ एवरीथिंग जो हम सबके दिमाग में आता है, लेकिन शायद हम वो करने से डर जाते हैं ये सोच के कि पता नहीं आगे क्या होगा। तो ये पता नहीं क्या होगा वो तो देखने के लिए ट्राई करनी पड़ेगी ना यार, वो चीज जो आप चाहते हो करना तो उसको करना जरूरी है। करेगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो आप अच्छा बुरा दोनों जानते हो, लेकिन अगर आपको कम एक्सपीरियंस है, आप छोटे हो, कम एक्सपीरियंस है, तो आप सिर्फ अच्छा जानते हो, उसकी बुराई तो आप बढ़ते हो, मतलब उसकी निगेटिविटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर ज्यादा ध्यान देने लोगे तो फिर पीछे हट जाओगे। तो वो चीज थी, मुझे बस पॉजिटिव पता था कि अच्छा ही होगा, तो फिर मैं बस आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और अभी बढ़ी रही है। अच्छा, सेलिब्रिटीज से आपका जो मिलना हुआ। हेलो दादा, लाइव कोई बात नहीं। So, दादा हर रोज की भांति अभी भी कभी भी आते हैं, वो तो सबसे पहले हाथ मिला के गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो वही सेशन अभी था, सॉरी फॉर द ब्रेक। हाँ, तो सेलिब्रिटीज के साथ भी आज के डेट में आप ट्रेनिंग करते हो, बहुत सारे सेलेब्स को आपने ट्रेन किया है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मतलब एक स्मॉल टाउन गर्ल, वो भी एक छोटे शहर छोटे गांव से निकली हुई लड़की, उसके बाद एक तो वो अच्छा कर ही रही है अपनी लाइफ में, प्लस एक और एड ऑन चीज एक ये हो रहा है कि वो सेलेब वाली दुनिया जिसके लिए सब एकदम ऐसे ऐसे करके देखते हैं वो उनको। मैंने जो कोर्स कंप्लीट किया, फिर मैं जब जॉब ढूंढ रही थी, मुझे जॉब मिली, वहां पे मुझे बताया गया था कि यहाँ पे सेलिब्रिटीज भी आते हैं, आप कीजिए। मैंने मना किया था स्टार्टिंग में, बट उन्होंने क्योंकि काफी देर तक की शिफ्ट थी, मुझे पसंद नहीं थी। तो जब मैंने वहां ज्वाइन किया, और जब मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ तो उसके लिए सबसे बेस्ट थिंग होता है कि जो बैडमिंटन स्टार है उनसे मिलना। जब मेरे जॉब का फर्स्ट डे था, सो फर्स्ट 1 आवर में पीवी सिंधु को मैंने गेट पे देखा, तो व्हाट इज दिस, मैंने अपनी सिस्टर एकता सिंह को बताया, दी यू नो पीवी सिंधु इज कमिंग, सो व्हाट पीवी सिंधु, ओ माय गॉड। वो मेरी जो 3 दिन की वो ट्रेनिंग थी कि वो मुझे चेक कर रहे थे या मैं उन्हें चेक कर रही थी, मैं यहाँ एडजस्ट कर पाऊंगी नहीं, मैंने पीवी सिंधु को देखा, मैंने बोला डन। तो उसके बाद वो आई अंदर, मेरे जो मैनेजर थे उन्होंने बताया कि ये मेरा इंट्रो करवाया, फिर मैंने फिर वो कार्डियो वगैरह की, उसके बाद मैंने उनको ट्रेन किया। तो वो जो एक्सपीरियंस था, एकदम बेहद नॉर्मल शालीन लड़की, और फिर उनसे बातचीत की और फिर मैंने उन्हें ट्रेन किया, तो बहुत बहुत ही ऑसम रहा। मैं अंदर से सोच रही थी पीवी सिंधु है ये। उसके बाद फिर मैंने उनको ट्रेन किया, काफी अच्छा लगा, और लगा ही नहीं कि मुझे लगा कि वो नॉर्मल हैं कोई इंसान। फिर हमारा फोटो वगैरह सेशन हुआ, उसके बाद फिर लोग आते गए, उस टाइम तो बैडमिंटन प्लेयर का सीजन था, तो वो आते गए, फिर मैंने ट्रेन करती, धीरे धीरे मुझे एक्सपीरियंस हुआ। फिर सेलिब्रिटीज जो
अपने एक्टर एक्ट्रेस हैं वो सब आते गए. तो सबसे बढ़िया तो फर्स्ट डे का है, वो मस्ट होता है, वो पीवी सिंधु का था मेरे. मतलब फर्स्ट डे एक्सपीरियंस अगर किसी को ऐसा मिल जाए अपने जॉब पे पहला घंटे में ही, तो फिर ऑफकोर्स उस जॉब से तो और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा किसी को भी. अच्छा आपने राजपाल यादव को भी, मतलब मैंने देखा है जो वीडियो, हाँ, उसमें हाँ. मैंने देखा कि आपने राजपाल यादव को भी ट्रेन हाँ. किया. तो एक सवाल वो वीडियो देखते के साथ मेरे दिमाग में था कि क्या वो रियल लाइफ में भी एकदम वैसे ही है? बिल्कुल जैसे ही है, अगरबत्ती ऐसे खोस के. बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है. जब मैंने उनको ट्रेन किया, फिर वो नॉर्मली बातें करते रहे. अटेंडेंट लोगों का नाम भी उनको पता है, वो कभी कभी आते हैं, सबका नाम भी पता है, और वो बड़े अच्छे से कूल होके बातें कर रहे थे. फिर जब हमने ट्रेनिंग उनको करा दी तो बेहद कूल थे. जब फोटो सेशन मैन, उन्होंने बोला चलो फोटो ले लेते हैं, फिर वो स्नीकर्स में थे, ऐसे शॉर्ट था उनका. फिर बोला मेरा ना ऊपर से ही लेना वरना मैडम की फोटो खराब आ जाएगी. मतलब बेहद कूल नॉर्मल इंसान, एकदम नॉर्मल चीजें बात करने वाले, ऐसे ही. जैसे मैं बिहार से हूँ, मैंने बताया, उन्होंने पूछा तो कि बिहार से हो, फिर वहाँ की चीजें लिट्टी चोखा एंड ऑल दैट. अच्छा बिहार की सिर्फ लिट्टी चोखा ही फेमस है और कोई चीज फेमस नहीं है? सबसे ज्यादा जो टॉप पे है वो चीज वो लिट्टी चोखा है. और अभी हमारा छठ पर्व आने वाला है, वो है वो है, और उसका ठेकुआ. अच्छा यहाँ पे पता नहीं शायद मेरे लाइफ में कुछ इशू है, हमारे नेटवर्क में कुछ इशू है. यहाँ पे कौन देख रहा है वीडियो ये तो पता चल रहा है, बट कोई क्वेश्चन यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किसी ने भेजा है या नहीं भेजा है, क्या है. सो हाँ कुछ तो इशू है, बट लोग हाँ वाईफाई ही है, पता नहीं क्या इशू है. एक बार मैं ना अपने नॉर्मल डेटा पे करके देखती हूँ. किसी के कोई कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे, ओनली वॉचिंग, कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा. कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं, क्या पता बट क्वेश्चन है नहीं तो वन वे कम्युनिकेशन एक तरीके से हो रहा है. काफी लोग वेट कर रहे थे लेकिन कुछ समझ नहीं आया, ऊपर तक गए नीचे गए. नहीं तो आप वाईफाई कनेक्ट करवा, बाहर से हमारे जो प्रोग्रामिंग हेड है ना कनेक्ट करवा लीजिए, तो एटलीस्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा वो आ जाएगा, क्योंकि मेरे में तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा. दिख ही नहीं रहा है, कुछ नहीं. ओके मेरे पास और भी कुछ सवाल हैं, जैसे फिट अगर हमारे माते कुछ सिखाते क्या? बिल्कुल पूछिए, किस चीज में जाना. जनरली तो लोग यहाँ पे 99% पूछते हैं मेरा टम्मी कैसे कम होगा. नहीं मुझे टम्मी से मतलब कैसे है. कम होगा सो मुझे इसमें मतलब है. अच्छा सो उसके स्ट्रेचिंग है जो आप करते हो. चलो मैं लाइव में ही बता देती. जैसे हम लोग ना माइक पे बात करते रहते हैं, ठीक है, तो माइक पे बात करते करते ना हम लोग ऐसे रहते हैं, तो ये जो गले का जो शेप है ना वो अजीब सा हो गया, डबल चिन सा. लाइन है काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा और ये जो डबल चिन है वो खत्म हो जाएगा. डबल चिन बताइए. यस तो जब आप नॉर्मल पोजीशन में होते हो, अगर आप ब्रेक लेते हो बीच में, तो बीच में जब फाइव जितना भी टाइमिंग है आपके पास उसमें आप स्ट्रेट कीजिए इसको, फिर थोड़ा सा मुंह खोलिए, बंद कीजिए, ये स्ट्रेच है. हाँ पूरा पीछे करके फिर साइड करके इसकी साइड करके पूरा स्ट्रेच करना है. ये अगर 10 मिनट तक करोगे आप डेली तो पैटर्न हो सकता है. वाह. और साथ में कार्डियो है कि आप फैट लॉस के लिए कार्डियो कीजिए, जो एक्सरसाइज है, या रनिंग कर सकते हैं, या वाइब्रेशन. मेरे एक लाइव वीडियो में मैंने दिखाया था, मैं आपको बताऊंगी. तो वो वाइब्रेशन से भी फैट लॉस होता है.